क्या कहना चाहेंगे इस तरह की वीडियो? जो मणिपुर की पहली चीज, तो मणिपुर के अंदर जिस तरह के हालात पिछले कुछ महीनों से बने हुए हैं और केंद्र सरकार खासकर प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर कभी कुछ भी नहीं बोला, ये बहुत चिंताजनक है। कोई कार्रवाई नहीं की गई इस बारे में। और कोई दूसरी चीज जो कल वीडियो पूरा वायरल हुआ जिसमें दो बहनों को जिस तरह से निर्वस्त्र करके उनको परेड किया गया और उनके साथ सामूहिक तौर पे गलत काम किए गए, उससे पूरा देश की आत्मा झकझोर दी है उन वीडियोस ने। पता चला कि वो वीडियो अभी के नहीं है, ढाई महीने पहले के हैं और ढाई महीने के अंदर वहां की सरकार ने इस बारे में कुछ भी नहीं किया। ये बेहद शर्मनाक है, ये क्रिमिनल है, ये आपराधिक मामला बनता है। मैं बेहद दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इसके लिए मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। अक्सर देखने में आया है कि इस तरह के जब भी कभी देश में वाकया होते हैं तो प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध लेते हैं। ये एक कमजोर लीडर की निशानी है। एक कमजोर लीडर होता है कि जब समस्या आती है तो वो चुपचाप अपने कमरे में बंद होकर बैठ जाता है। एक जो साहसिक और करेजस लीडर होता है, असली लीडर होता है, वो फ्रंट से काम करता है, फ्रंट पे आके काम करता है। जब कोई मुसीबत होती है तो फ्रंट पे दिखाई देता है नेता। ऐसा नहीं होता कि मुसीबत आने पे चुप्पी साध के और अपने कमरे के अंदर बंद होके बैठ जाओ। तो ये बेहद दुख की बात है कि दो ढाई तीन महीने से जब से मणिपुर की समस्या हुई है, प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध के अपने कमरे में बैठे हैं। ये एक बहुत कमजोर नेता की निशानी है और बहुत दुख की बात है कि ऐसे सेंसिटिव टाइम के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कोई कदम नहीं उठाया। अगर समय पे कदम उठाया होता तो हमारी इन बहनों के साथ ऐसा अन्याय नहीं होता। दूसरा, मणिपुर के सीएम का ये बयान अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि ये एक घटना थोड़ी है, ऐसी तो बहुत घटनाएं घटी हैं। इसका मतलब तो पता नहीं कितनी बहनों के साथ ऐसा हुआ है मणिपुर के अंदर। और अगर बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं तो उन्होंने क्या किया इस बारे में? उन्होंने क्यों नहीं पकड़ के लोगों को, जो दोषियों को जेल में डाला? वो कर क्या रहे थे अभी तक? अब जब ढाई महीने के बाद वो वीडियो सामने आया, अब कह रहे हैं, आज बता रहे हैं एक आदमी पकड़ा गया, उस वीडियो के अंदर पता नहीं कितने लोग हैं। और जो एफआईआर दर्ज की गई है वो एफआईआर अननोन लोगों के खिलाफ, वीडियो के अंदर तो सबके चेहरे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सरकार की बिल्कुल क्रिमिनल, जो भी कह लीजिए, कॉन्स्पिरेसी, नेग्लिजेंस, उसके अंदर कल्यूजन, जो भी कह लीजिए, लेकिन पूरे देश की आत्मा को इस इंसिडेंट ने झकझोर कर दिया। इस्तीफे की मांग की जा रही है वहां के सीएम की, क्या आप भी मांग करेंगे उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि पहले भी वो पेशकश कर चुके थे उनका सीएम जो इस्तीफा था? मेरा सबसे पहला है कि मणिपुर के अंदर शांति बहाल की जाए, जैसे भी की जाए, जिस भी तरीके से शांति बहाल की जाए। ये एक ऐसा सेंसिटिव मामला है जिसमें मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कुछ भी करके प्रधानमंत्री जी को सामने आना पड़ेगा। कमरे के अंदर अंदर चिटकनी मार के बैठने से प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, अगर देश के अंदर समस्या चल रही है और अंदर कमरे के अंदर चिटकनी मार के बैठ जाएगा तो फिर देश कहां जाएगा? कौन संभालेगा देश को? प्रधानमंत्री जी को सामने आके और इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ कठोर और इफेक्टिव कदम उठाने पड़ेंगे।